Here is the question. Aqueous solution of Na2SO4 is electrolyzed using platinum electrodes. The products at the cathode and anode are respectively आपको calculate करना है. अब समझिए इस चीज को. यहाँ पर क्या किया है आपने? Electrolysis क्या है? It means आपने electrolytic cell का use किया है. किया कि नहीं किया होगा? Obviously बात है. Electrolytic cell के अंदर दो terminal होते हैं. एक होता है anode और एक कौन होता है? Cathode होता है. कैथोड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है. एनोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है. ये आपको पता है. अच्छा, एक और चीज हमें पता है कि कैथोड पे क्या होगी, यहां पर हमेशा होगा ऑक्सीडेशन और सॉरी एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन. और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा. सही है. अच्छा, अब देखो, अब बात करते हैं कि किसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट का. तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि जब सोडियम सल्फेट को आपने वाटर के अंदर डिसोल्व किया होगा तो ये डिसोसिएट होगा 2Na+ आयन और SO4 2- आयन के अंदर. इनके अंदर ये क्या हुआ होगा? डिसोसिएट हुआ होगा. अच्छा, अब देखो बात करते हैं कि एनोड के पे. पहले मैं बात करता हूं कि एनोड पे मुझे क्या मिलेगा. तो देखो एनोड कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज आयन है. पॉजिटिवली चार्ज है ना, आयन नहीं सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है. तो इसकी टुवर्ड्स कौन जाना प्रीफर करेगा? इसकी टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज आयन मतलब कि सल्फेट आयन इसकी टुवर्ड्स जाना प्रीफर करेंगे. लेकिन यहां पर एक और चीज समझने वाली है कि सोडियम सल्फेट का क्या लिया है आपने? एक्वस सॉल्यूशन लिया है. मतलब कि यहां पर वाटर को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा. इट मींस वाटर का भी ऑक्सीडेशन आपको कंसीडर करना पड़ेगा. तो वाटर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे होता है? जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ये ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करता है अलोंग विथ 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 एच प्लस आयन. एक्वस, ठीक है. ये क्या है? वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. इसको आप बैलेंस कर लो, ये हो जाएगा 4H प्लस एंड O2, ये हो गया कंप्लीट. ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या हुआ. ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर लिखा मैंने. क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है और वाटर का भी तो ऑक्सीडेशन होता है. अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया सल्फेट की जगह, अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया तो आपको प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट मिलेगा. इसलिए मुझे इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा. अच्छा, बात करते हैं कि वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है. वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इसकी वैल्यू होती है -1.23 वोल्ट. कितनी होती है? -1.23 वोल्ट. जबकि सल्फेट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है समथिंग -2.01 वोल्ट. अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसका होना प्रीफर करता है? ऑक्सीडेशन किसका होता है? हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है? उतनी ज्यादा अच्छी है. इन मींस दोनों ही केस में अगर देखो तो वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आ रही है एज कंपेरेटिव सल्फेट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कंपेरेटिव. इट मींस यहां पर एनोड के ऊपर क्या होगा? वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको कौन सी गैस मिलेगी? ऑक्सीजन गैस प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगी. क्या ये चीज समझ में आती है? बहुत सिंपल कंसेप्ट है. यहां पर हमें सिर्फ ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है. तो हमने देख लिया कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कंपेरेटिव ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है. इसलिए यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस आपको इवॉल्व होगी. वन मोर थिंग, जब भी रूम टेम्परेचर पर हम वाटर का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये प्रोसेस क्या होती है? बहुत ज्यादा स्लो होती है. तो ये स्लो होने की वजह से यहां पर कुछ ओवर वोल्टेज लगता है और वो हो जाता है -1.48 वोल्ट तक. मतलब कि क्या हुआ इसका कि -1.23 वोल्ट पर ये ऑक्सीडाइज नहीं होकर कितने पे ऑक्सीडाइज होगा? -1.48 वोल्ट पर ऑक्सीडाइज होगा. तो अब भी हम देखें तो अभी भी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कंपेरेटिव ज्यादा पॉजिटिव है. इसलिए रूम टेम्परेचर पर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और आपको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन गैस मिलेगी. एक चीज तो ये क्लियर होगी. सेकेंड चीज, अब बात करते हैं कैथोड के ऊपर. कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा. रिडक्शन किसका होगा? या तो Na+ का आ जाए क्योंकि ये नेगेटिवली इलेक्ट्रोड है, तो या तो Na+ आए इसकी तरफ, या फिर क्या आ जाए? कोई वाटर आ जाए. क्यों? वाटर का भी रिडक्शन हो सकता है. तो रिडक्शन ऑफ वाटर की बात करता हूं तो जब भी वाटर का रिडक्शन होता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आपको देगा ये हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ 2OH- आयन एक्वस फॉर्म में. ठीक है, और ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस. और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो ये होती है -0.827 वोल्ट. अच्छा, सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -2.76 वोल्ट. कितनी होती है? -2.76 वोल्ट. तो देखो
दोनों ही केस को अगर ध्यान से आप कंसीडर करो रिडक्शन के लिए, या तो वाटर का रिडक्शन होगा या तो Na+ का रिडक्शन होगा। तो किसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देख सकते हैं कि वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एस कंपेयर टू सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल के कंपेयर टू ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए वाटर का क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। और जब भी वाटर का रिडक्शन होगा तो कैथोड के ऊपर आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगी। दिख रहा है ना, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एनोड पे क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन गैस, कैथोड क्या क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर, देखो कैथोड पे क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मिल रही है, ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन।